उपच मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूव्रताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे ततगुणलब्धै तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद के पटशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है संस्कृत इसकी भाषा है सूत्रात्मक इसकी शैली है दस अध्याय विभाजित है सात तत्वों का इसमें वर्णन है हम सभी लोग ने अभी तक तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्य लोक के बारे में जाना जैन भूगोल एक अपने आप में साइंटिफिक है वैज्ञानिक है जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि संसार में जीव कहाँ कहाँ रहता है और संसार की कैसी क्या व्यवस्था है जैसा कि तीन लोग जो है वो आकृति है अकृतमो खलो जैसे किसी ने बनाया नहीं है वो अकृतिम है और इस प्रकार से अकृत्रिम तीन लोक के बारे में अपन ने अधोलोक में क्या व्यवस्था है और मध्यलोक में क्या व्यवस्था है इसके लिए तीसरे तीसरे अध्याय के माध्यम से जाना आचार्य भगवान चतुर्थ अध्याय में चौथे अध्याय में अधोलोक के ऊपर जो मध्यलोक मध्यलोक के ऊपर जो ऊर्ध लोक है उसके बारे में यहाँ बताएँगे ऊर्धलोक में देवों का जो सद्भाव पाया जाता है स्वर्ग आदि है वैमानिक देव हैं और शर्वार सिद्धि और सिद्ध शिला आदि इन सभी की अपन जानकारी लेंगे तो आज अपन जो चौथा अध्याय है उसको प्रारंभ करेंगे सभी लोग अपनी जिनवाणी में निकाल लेंगे और चौथे अध्याय का जो पहला सूत्र है हम उसका उच्चारण पूर्व करते हुए आज की यहाँ पर चौथे अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं देवाश चतुर देवाश चतुर, चतुर, चतुर देवासुरिकाय इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण हुआ अब इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं चतुर अध्याय का सूत्र नंबर वन देवास चतुरिकाय देवाश शातक पढ़ेंगे देवाश चतुर राह को नीचे ले आएंगे चतुर चतुरिकाय ये बहुवचन है ठीक है ना प्रथमा का बहुवचन बाल का हो बाल काहा का तो इस प्रकार निकाया, अब देखिए इसकी अपन संधि करते हैं तो सा का विसर्ग हो जाएगा देवा क्या निकलेगा देवा और रा नीचे उतर जाएगा तो रा का विसर्ग हो जाएगा चतु देवाहा चतु और ये निकाय जो ना है ना का ना हो गया था इस प्रकार से यह है तो यहाँ पर निकल गया निकायहा ठीक है ना देवहा चतुहु निकायहा क्या अर्थ निकला यहाँ पर देवहा जो देव हैं यहाँ भी बहुवचन है क्योंकि एक देव की बात हो नहीं रही है समस्त देवों की बात हो रही है देवहा देवहु देवहा तो देवहा देव चतुहु चार प्रकार के निकाय निकाह मतलब समूह निकाय का अर्थ क्या होता है समूह जो देव हैं चार प्रकार के समूह वाले होते हैं अर्थ निकल के आया जो देव हैं वो चार समूह वाले होते हैं ये इसका अर्थ है बहुत सरल अर्थ है और बहुत सुगम अर्थ है फिर समझ लीजिए निकाय मतलब समूह चतु मतलब चार चार समूह चार समूह कौन कौन से होते हैं भवनवासी वेंतर ज्योतिष और वैमानिक फिर से भवनवासी वेंतर ज्योतिष और वैमानिक ये चार देवों का समूह है इसके अंतर अंतर्गत वो देव हैं वो असंख्यात होते हैं ठीक है ना तो ये चार प्रकार के देवों का समूह है तो यहाँ पे बता दिया कि देवों का चार प्रकार का समूह होता है इस प्रकार से सूत्र का यह अर्थ है यह सूत्र जो प्रारंभ हुआ है यह हमको बता रहा है कि अभी तक हमने नरक के नारकी जीवों का वर्णन कर दिया है मनुष्य गति के मनुष्यों का वर्णन हो चुका है और तिरंच गति के तिरंचों का भी वर्णन हो चुका है मात्र एक गति के जो जीव वो देव और उनका वर्णन यहाँ पर रह गया था तो प्रथम सूत्र के माध्यम से आचार्यों ने एक संग्रह कर दिया और संग्रह निकाय शब्द नाम से कर दिया समूह संग्रह निकाय ये सब एकार्थवाची है संघात आदि अनेक एकार्थवाची इसके नाम हैं यहाँ ये बता दिया कि जितने भी देव हैं हम उन सब को चार समूह में चार कैटेगरी में करते हैं चार कैटेगरी में भवनवासी वैंतर, ज्योतिष और वैमानिक इनके शाब्दिक अर्थ क्या हैं इनको आगे अपन बताएंगे अभी तो अपन यही समझें कि चार समूह में जो देव हैं वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं आचार्य भगवान का यहाँ मूल उद्देश्य यह है आचार्य श्री देव किसे कहते हैं और ये कैसे होते हैं देव जो दिव्यता को धारण करते हैं उन्हें देव कहते हैं जो यथा इच्छा अपनी इच्छा के अनुसार कीड़ा आदि करते हैं भोग विलास में रमण करते हैं दिव्य रूप होते हैं दिव्य शरीर को धारण करने वाले होते हैं और देव गति नाम कर्म के उदय से अंतरंग जो कारण है देव गति कर्म का उदय बाह्य में दीप्ति को जो धारण करते हैं दिव्यता को जो धारण करते हैं यथा इच्छा से जो रमण और भ्रमण आदि करते हैं वो देव कहलाते हैं इस प्रकार से यह देव की परिभाषा हुई और देव के विशेषताएं में देखते हैं तो देव वह है जो कभी वृद्ध नहीं होता है सदा ही युवापन जिसके अंदर रहता है देव वह है जिसमें किसी प्रकार का खून मांस हड्डी आदि धातु और उप धातुएँ उनमें नहीं होती है देव वह है जिसमें तेज हो जिसमें ओज हो जिसमें भोग सामग्री आदि को भोगने की शक्ति आदि हो जो सौभाग्यशाली हो जो भाग्यशाली हो आदि अनेक जो सुख के सौभाग्य सागर में जो रमण करने वाला हो अपनी जो देवियां हैं उनके साथ रहने वाला हो और जो विमान में रहने वाले वो विमानिक हो जाएंगे भवन में रहने वाले भवन वाले हो जाएंगे इस प्रकार से जो अनेक प्रकार की विशेषताओं को लेकर के रहते हैं वो देव कहलाते हैं प्रत्येक देव में अरिमा महिमा गरिमा लग्मा आदि जो आठ रिद्धियाँ हैं वो ऋद्धियों से वो संपन्न होते हैं वो अपने विक्रिया से अनेक प्रकार के शरीर को भी बना सकते हैं वो देव वह है जिसके अंदर पृथक रूप से भी और अपृथक रूप से भी विक्रिया करने की शक्ति पाई जाती है चाहे तो वो अपने शरीर में ही अनेक प्रकार की विक्रियाएं कर सकता है विक्रिया का मतलब होता है विशिष्ट प्रकार की क्रिया कर सकता है और चाहे तो वो पृथक रूप से भी अनेक प्रकार के अपने रूप आदि बना सकता है जैसे सौ धर्म हैं अन्य देवों का आप उदाहरण समझते हैं आपने पंचकल्याण अकादमी देखा होगा सौ ने कितने रूप बना लिए कितनी आँखें बना लीं और भगवान को आप अलग दृष्टि से निहारा तो इस प्रकार से जो भी देव हैं वो अनेक प्रकार के पृथक रूप से भी और अपृथक रूप से भी अपने शरीर की अनेक रूप विक्रिया आदि बना सकते हैं तो इस प्रकार से ये देवों की कुछ विशेषताएं हैं जिसे हमें जान करके के रखना चाहिए ये सब क्वालिटी सुनने के बाद ऐसा लालच नहीं आना चाहिए कि काश हम भी ऐसे देव होते हम भी अनेक प्रकार के रूप बनाते हम भी यहाँ वहाँ जा सकते हैं। ध्यान रखना ये सब कुछ कर्म का उदय है और वो कर्म के फल को भोग रहे हैं कर्माधीन व्यवस्था है और हमें कर्माधीन व्यवस्था में नहीं जाना है हमें स्वाधीन होना है हम यहाँ पर स्वाधीन होने आए हैं स्वाधीन अपने वश में अपना सुख अपने वश में होना चाहिए कर्म के वश में नहीं होना चाहिए कर्म का उदय चल रहा है तब तक वो देवगति में है तब तक उनकी संपदा है वह आपार वृद्धियाँ आदि हैं और जिस समय वह कर्म का उदय समाप्त होने वाला होगा वह सब छूट जाएगा जो छूटने वाला है उसमें हमें लालच नहीं करना है जो हमारा है ही नहीं है उसके प्रति ममत्व का परिणाम नहीं करना है जो मेरा है चैतन्य जो मेरा है ज्ञान और दर्शन और सुख और शक्ति हमें उसमें ही अपने आप को केंद्रित करना है पर की वस्तु जो है वह दुखदाही है जो पर भोग हैं वो सदा ही हमें दुख देने वाले हैं क्यों क्योंकि जब उनकी समाप्ति होगी तो उन उनके प्रति जो हमारा राग है उसके कारण हमें दुख की प्राप्ति होगी इसलिए हमें इस स्वरूप को जानने के बाद हमें ये नहीं समझना है कि हमें वो चीज़ वहाँ प्राप्त करना है इस बात का ध्यान रखना और ना ही हमें किसी से प्रकार का निदान के भाव रखना है आगामी सुखों के भोगों के सुख की प्राप्ति हो इस प्रकार का कोई हमें निदान का परिणाम भी नहीं करना है आचार्य भगवान का मात्र इतना ही उद्देश्य है कि हम सारे संसार में कौन जीव कहाँ कहाँ रहता है और हम कहाँ कहाँ होके आए हैं और हमने क्या क्या प्राप्त किया है आज तक और ये सब बताने का भवन का उद्देश्य है हमने इन तीन लोक में प्रत्येक परमाणु को भोगा, प्रत्येक पर्याय में गए लेकिन हमने आज तक अपने चेतन का भोग नहीं किया और जो हमारा मूल निवास स्थान है जो हमें शाश्वत हमारा स्थान है सिद्ध शिला उसमें तनु बोले जहां पर हम जाकर के सदा सदा के लिए विराजमान हो जाए वहाँ पर हम आज तक नहीं पहुँचे हैं इसे आत्मा को शुद्ध नहीं कर पाए हैं यह है मूल उद्देश्य आचार्य भवन का बताने का रहा जैन भूगोल के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमने अभी तक कहाँ कहाँ भ्रमण किया है किस किस पर्याय में क्या क्या चीज़ें प्राप्त की हैं तो आपने देखा था अधोलोक में नरक में जाकर के हमने कैसे जीवन जिया जी था अपन ने मध्य लोक में भी देखा था कि मध्य लोक में किस प्रकार से मनुष्य और तिरंज पर्याय में रहकर के हमने क्या क्या किया और आज हम लोग सभी लोग ये देवों की पर्यायों का देख कर के देवों की अवस्थाओं को देख कर के उनके निवास स्थानों को देख करके उनकी सब प्रकार की हालत और दशा को देख करके यही भी जानेंगे कि देव में भी कुछ नहीं रखा है जो हम लोग चाहे कहते हैं कि हम ये चढ़ाएंगे तो देव बन जाएंगे ठीक है बन जाओगे लेकिन मुक्ति की प्राप्ति नहीं है हमारा जो मूल उद्देश्य है कमक हो सोई गमनम मरणम हमारा मुख्य मूल उद्देश्य होना चाहिए मेरे समस्त दुखों का अक्षय हो मेरे समस्त कर्मों का अच्छे हो बोधि की मुझे प्राप्ति हो सुगति में मेरा गमन हो समाधि मरण की मुझे प्राप्ति हो इस प्रकार के मूल उद्देश्य लेकर के अपन को चलना है अब यहाँ पर आप एक स्लाइड में देख रहे हैं कि तीन लोग में जो उर्द लोग हैं उसकी क्या व्यवस्था है यदि आपके पास कॉपी पेन है तो आप बिल्कुल नोट कर लेंगे और आपको याद रहेगा कि उर्द लोक में क्या क्या व्यवस्था है कितना लंबाई है कितनी चौड़ाई है कितनी ऊंचाई है इसका आकार कैसा है इसकी स्थिति कैसी है इसके बारे में आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा है ऊपर उर्ध लोक और साइड में एक चित्र बना हुआ है उर्ध लोक का ठीक है ना इसमें क्या लिखा है लंबाई इससे कि लंबाई कितनी है तो देखिए पीछे जाता है ये लंबाई जो है ये सात राजू है कितना है क्योंकि लोक कैसा है त्रियक लोक है तिरछे में जाता है तो ये पीछे जो जा रहा है ये सात राजू जा रहा है तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है सात राजू राजू एक प्रमाण है पहले मैंने आपको बताया था असंख्यात महायोजनों का एक राजू होता है तो लंबाई इस उर्द्वलोक की जो लंबाई है वो कितनी है सात राजू है ऊंचाई कितनी है ऊंचाई तो वैसे सात राजू है लेकिन उसमें अपन देखा जाए मेरू जो जो सुमेरू पर्वत है वहाँ से अपना देवगति आदि का प्रारंभ होता है लेकिन वो जो मेरु आदि भी हैं वो इसी में ही समाविष्ट हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सा है एक लाख चालीस योजन एक लाख चालीस वोजन का पूरा वो जड़ से एक हज़ार योजन ऊपर निन्यानवे हज़ार योजन और चालीस योजन की उसकी चुलिका होती है तो अपन देखें उसको कम कर दें एक लाख चालीस योजन कम कर दें इतना सात राज्यों में सात राज्यों में एक लाख चाले से वजन कम कर दें जो बहुत नगण्य हैं यदि उसमें समावेश निकल लें तो कोई कह, कहीं बाधा की बात उत्पन्न नहीं होगी तो सात राजू अपन क्या लगाएंगे इसकी जो ऊंचाई है लोक की जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई है सात राजू ऊंचाई लंबाई भी कितनी है सात राजू है अब अपन को लेना है चौड़ाई तो आप देखिए चौड़ाई कैसे निकालेंगे इसकी क्योंकि ऊपर एक राजू ठीक है ना नीचे एक राजू और बीच में जितना कितना है वो वह है पांच राजू तो जब भी हम किसी की चौड़ाई निकालते हैं तो उसमें अपन क्या करें जो बीच का जो हिस्सा है जैसे कलश है कलश का जो बीच का मोटा भाग है अपन उसकी चौड़ाई ले लो और ऊपर मुक्का ले लो दोनों को जोड़ दो और उसमें दो का भाग दे दो तो उसकी क्या चौड़ाई निकल कर आ जाती है तो अपन ने देखा जो बीच वाला जो है वो पाँच राजू है ऊपर नीचे दोनों देखा अपन ने एक, एक राजू है तो पाँच और एक कितना हो गया छः छः में दो का भाग दे दो तो कितना निकल के आ जाएगा तीन तो इस प्रकार से जो इसकी उर्द्व लोग की जो चौड़ाई है वो कितनी निकल की आ गई टोटल तीन राजू जो है इसकी चौड़ाई निकल करके आ जाती है इसकी स्थिति कहाँ से लेना है अपनों को लेना है तो मेरु की चूलिका के ऊपर भाग से हम इसको लेंगे जितने भी देव लोग हैं वैमानिक देवादि हैं वो कहाँ से उनके विमान आदि प्रारंभ हो जाते हैं तो आचार्यों ने आगम में बताया है कि जो सुमेरु पर्वत है उसके एक बाल के अंतर से ऊपर जो है सारे वैमानिक देव प्रारंभ हो जाते हैं सोलह स्वर्ग नौ गृहक नौ अनुदेश पांच अनुत्तर इस प्रकार से ये देव जो हैं इंद्र और अहिमेन्द्र सभी के विमान जो हैं वो सुमेरु पर्वत के एक बाल से अपन ऊपर से लेंगे वहाँ से ये उर्द्वलोक की स्थिति जो है प्रारंभ हो जाती है ऊर्धलोक के आकार के बारे में आचार्य उन बता रहे हैं तो त्रिलोक प्रणति में भी ये बात आई है और तिलोक सारादी में भी और अनेक अनेक ग्रंथों में कि उसका आकार कैसा है तो बोला कि मृदंग के सामान है मृदंग आप जानते होंगे जैसे ढोलक होती है ढोलक को खड़ा कर दो तो ऊपर से इस प्रकार से आकर के ऐसा आकार बनता है तो इसी प्रकार से जो तीन लोक का जो उर्द्व लोक का जो स्थान है वो मृदंग के समान है पूरा तीन लोक कैसा है एक पूरा मृदंग और एक आधा मृदंग आधे मृदंग के ऊपर एक पूरा मृदंग रख दो तो पूरा तीन लोक का नक्शा बन जाता है तो लोक की जो स्थिति है वो जो उसका जो आकार है जो उसका रूप है आचार्युवन कहते हैं वो मृदंग के समान है इस प्रकार से अपन ने ये ऊर्द्व लोक के बारे में थोड़ी सामान्य सी जानकारी ली जिससे हमें याद रहना चाहिए कहाँ किस प्रकार से इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई इसकी ऊंचाई इसकी स्थिति और इसका आकार है नमोस्तु श्री ऊर्ध्व लोक में किजीवों का निवास होता है कृपया स्पष्ट करें नमोस्तु ऊर्ध्व लोक में सर्वप्रथम तो हम ये जाने कि देवों का निवास है और देवों में भी वैमानिक देवों का निवास है दूसरा एक इंद्री जीव क्योंकि एक इंद्री की जीव की सत्ता जो है वो पूरे तीन लोक में पाई जाती है इसलिए एक इंद्री जीव और तीसरे सिद्ध भगवान इस प्रकार से अपन देखें तो तीन प्रकार के जो जीव हैं वो लोक में पाए जाते हैं फिर से समझ लें कि एक तो पाँच इंद्री जो देव हैं वो और एक एक इंद्री जीव क्योंकि वहाँ भी कल्प वृक्ष आदि होंगे और जो विमान हैं वो अपने आप में ही एक इंद्री हैं क्योंकि वो भी पृथ्वी का एक हैं इसलिए एक इंद्री आदि जीव एक इंद्री जीव और पांच इंद्री में देव और सिद्ध भगवान दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री ये जो विकलत्र जो जीव हैं वो वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं जैसा कि अपन ने देखा था कि भोग भूमि में भी वहाँ पर दो इंद्रिय जीव तीन इंद्रिय जीप चार इंद्रिय जीप नहीं पाए गए थे इसी प्रकार से लोक में भी उनका वहाँ पर स्थान नहीं है एक इंद्रिय जीप तो सर्वत्र पूरे तीन लोक में पाए जाते हैं इसके कारण वहाँ लोक में भी एक इंद्री जीव होते ही होते हैं वो तो सिद्धालय में भी हैं बात बलों में भी हैं और मुख्यता से अपन को जो बात करनी है वो दो जीवों के माध्यम से एक तो देव और एक सिद्ध भगवान ये पूरे के पूरे ऊर्द्व लोक में पाए जाते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं अपन चित्रों के माध्यम से देखेंगे तो मेरू के पर्वत मेरू पर्वत के एक बाल के ऊपर से ये वैमानिक देवों की स्थिति पाई जाती है और सर्वार सिद्धि जो विमान हैं उसके ऊपर जाने के बाद सिद्धशिला आती है वहाँ सिद्धशिला एक स्थान बना हुआ है ध्यान रखना वो सिद्धशिला जो है वहाँ पर सिद्ध भगवान नहीं है वो एक स्थान है जो 45 लाख योजन का होता है अर्धचंद्राकार वह जो सिद्धशिला है वहाँ पर जो सिद्ध परमेष्टि नहीं पाए जाते हैं उसके ऊपर जो तनु बात वलय है अंतिम बात वलय है वहाँ पर सिद्ध परमेष्टि होते हैं तो सिद्ध परमेष्टि का अस्तित्व जिस जो हमारा परम लक्ष्य है परम उद्देश्य है और यही हमें वहाँ पर प्राप्त होना है इस भावना से ये भी बात ध्यान रखना कोई भी देवगति से ही सिद्ध शिला में नहीं जा सकता है अर्थात देवगति से ही जाकर के वह सिद्ध भगवान बन जाए ऐसा नहीं हो सकता है मनुष्य पर्याय से ही उसे पुरुषार्थ करके मुनित्व को धारण करके और अपने छपक श्रेणी आदि चढ़ करके कर्मों का क्षय करके ही वह सिद्ध भगवान हो सकता है इस प्रकार से ऊर्ध लोक में तीन जीव हमने आपको मुख्यतः से बताए एक तो देव दूसरा एक इंद्र जीव और तीसरा सिद्ध भगवान यहाँ पर अपन ने देव चार प्रकार के पड़े थे और आप यहाँ स्लाइड में देखेंगे कि चार प्रकार के देव यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं भवनवासी वैंतर, ज्योतिष और वैमानिक भवनवासी कैसे कहते हैं उसी के नीचे लिखा हुआ है भवनों में निवास करते हैं इसलिए इनका नाम भवनवासी भवनवासी भवन वाशी वाश और उस वाश को धारण करने वाले वासी देव तो भवन में निवास करते हैं इनके बहुत सुंदर भवन होते हैं रमणीक भवन होते हैं जिसमें सारी आपार संपदा उसमें दिखाई देती है ऐसे बहुत सुंदर सुंदर महल इनके बने होते हैं ऐसे भवनों में निवास करने वाले जो देव हैं उनको भवनवासी देव कहते हैं दूसरा लिखा हुआ है वैंतर वैंतर देव कहाँ रहते हैं नाना प्रकार के देशों में निवास करने वाले नाना प्रकार के गुफा हैं वृक्ष हैं देश हैं उनमें जो निवास करते हैं वो भयंतर देव कहलाते हैं जन्म स्थान का एक जगह निश्चित है रहने का स्थान का निश्चित नहीं है रहने के लिए इस पृथ्वी लोक में वो कहीं भी जाकर के रह सकते हैं किसी भी पहाड़ में जाकर रह सकते हैं किसी भी गुफा में जाकर रह सकते हैं किसी भी वृक्षों में रह सकते हैं किसी भी सोने घर में जा के रह सकते हैं किसी भी किला आदि में रह सकते हैं किसी भी स्थान में जा के वो निवास कर सकते हैं इसलिए आचार्य लिख दिया यहाँ पर नाना देश नाना देशों में वह जाकर के अपना स्थान निवास स्थान बना सकते हैं इस प्रकार से ये बेंतर जातियों का निवास स्थान हुआ ज्योतिष जो देव हैं जो ज्योतिर्मय विमान हैं उनमें जो निवास करते हैं वो ज्योतिष देव हैं जो हमारे पंच मेरु हैं ढाई द्वीप में द्वीप में एक धाती खंड में दो और पुष्प्रार्थ में दो इस प्रकार से ये पांच मेरु हैं इन पांच मेरुओं की जो परिक्रमा लगा रहे हैं जो चलायमान विमान हैं और एक है स्थिर विमान स्थिर विमान जो ढाई द्वीप के बाहर जितने भी विमान हैं ज्योतिष आदि के वो कैसे हैं वो वो स्थिर विमान हैं तो जो ज्योतिर्मय हैं जैसे सूर्य है चांद है तारे हैं नक्षत्र हैं ये ग्रह हैं चंद्रमा का पूरा परिवार है ये सभी जो हैं ये ज्योतिर्मय विमान कहलाते हैं और ये सभी कहाँ पर हैं ऊर्ध्व लोक में तो नहीं मध्य लोक में ही जो मेरु हैं उस मेरु की परिक्रमा लगाते हैं ढाई द्वीप संबंधी ढाई द्वीप के बाहर जो हैं वो स्थित हैं और वो स्थित वाले जो हैं वो परिक्रमा नहीं लगाते हैं वो एक स्थान पर स्थित होते हैं ऐसे ज्योतिर्मय विमानों में जो देव निवास करते हैं वो ज्योतिष देव कहलाते हैं और चौथे नंबर में लिखा है वैमानिक उसका अर्थ ही हुआ है विमान में निवास करने वाले जो विमानों में रहते हैं जैसे सौ इंद्र है ईशान है शानत है महेंद्र है इस प्रकार के इनके जो इंद इंद्र विमान होते हैं पर इनके प्रकीर्णक विमान होते हैं और भी बहुत सारे विमान होते हैं और उन सब विमानों में जो निवास करने वाले होते हैं वो वैमानिक देव कहलाते हैं इस प्रकार से चार प्रकार के देवों का जो यहाँ पर सूत्र में बताया था आप फिर से समझ लेंगे भवनवासी बेंतर ज्योतिष और वैमानिक भवनों में निवास करने वाले भवनवासी नाना देशों निवास करने वाले बेंतर और ज्योतिर्मय विमानों में निवास करने वाले ज्योतिष देव और सुमेरु पर्वत के ऊपर जितने विमान हैं उन विमानों में निवास करने वाले वैमानिक देव कहते हैं इनको कल्पवासी देव भी कहते हैं कौन से देव कल्पवासी जो कल्प में जो स्वर्ग में जो सुख में वास करते हैं ऐसे कल्पवासी देव भी कहलाते हैं इस प्रकार से इस चार प्रकार के देवों का यहाँ पर ये निवास स्थान बताया देवों का जन्म कैसे होता है जैसे अकस्मात हिमवृष्टि पुष्पवृष्टि और पात इंद्रधनुष बज्रभात आदि अनेक अकस्मात होते हैं इसी प्रकार से देवों का जन्म भी कैसा होता है अकस्मात होता है हमारे जैसे मनुष्य जैसे जन्म नहीं होता है कि अकस्मात हो जाए मनुष्य का जन्म तो बच्चे का आराम आराम से नौ महीने तक लगते हैं लेकिन देवों का ऐसा नहीं है अंतर मुहूर्त में ही उनका जन्म हो जाता है बिल्कुल अकस्मात होता है और कहाँ पर जन्म होता है उनकी उपास होती है सैया जैसे अपने घर में आपके डबल बेड होते हैं ऐसी बहुत सुंदर सैया होती है और सैया भी कैसी होती है बहुत रमणीक होती है इंद्रियों को सुख देने वाली होती है और ऐसी सैया होती है कि वो चाहें तो वो पूरे जीवन भर उसमें रहें तो उन्हें किसी प्रकार का दर्द पीड़ा आदि ना हो आप तो एक दो घंटे आराम करेंगे तो आपको बेड होना प्रारंभ हो जाएंगे आप परेशान होना प्रारंभ हो जाएंगे कमर में दर्द आदि होना लगेगा लेकिन उनकी सैया ऐसी नहीं होती है तो वो उत्पाद सैया जो बहुत रमणीक है नित्य ही उत्सव से सहित है उत्सव सहित होती है जहाँ पर गीत यंत्र आदि सदा ही बसते रहते हैं और उस उत्पाद सैया में तुम सदा जयवंत हो जयवंत हो चिरंजीवी हो ऐसे मंगल नाद जहाँ पर होते रहते हैं ऐसे शब्द जय जयकार के होते रहते हैं वह उपास सैया कहलाती है और उस उपास सैया में कोई जीव जाकर के आकस्माद जन्म लेता है तो अंतर मुहूर्त में ही वह यौवन को प्राप्त हो जाता है यौवन अवस्था को धारण कर लेता है और उसका सभी वहाँ पर जो देव लोग हैं स्वागत करते हैं जय हो चिरंजीवी हो ऐसे शब्द करते हैं उनका स्नान आदि होता है उनका अभिषेक आदि होता है और फिर वो जिनाले में उनको ले जाते हैं मंदिर में ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर के भगवान का दर्शन कराते हैं सम्यक दृष्टि है तो वो बेतराग भगवान को स्वीकार करके सम्य भगवान का दर्शन करता है और जो सम्यक दृष्टि नहीं है मिथ्या दृष्टि है तो वह उनको कुल देवता मान करके भगवान को स्वीकार करता है श्रद्धा धारण आदि करता है अब इनके चारों का स्वरूप क्या क्या है इसके बारे में आगे अपन क्लास में अध्ययन करेंगे आज यहाँ पर ही समाप्त करते हैं क्लास को हम सब लोग अब जनवाणी स्तुति करते हैं जावाणी के ज्ञान से सुजे लो सो वाणी मस्तक धरो सदा देत तो हो हे जिन भारती तो हे जपो दिन रे जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद सभी को सादर जय जिनेन्द्र हमारे पास तत्त्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है और जो भी जो भी महानुभाव इस तत्व सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें एवं जो भी पुण्यर्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें धन्यवाद जय जिनेन्द्र